गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस विषय पे बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि जब हम साइन सॉफ्टवेयर को ओपन कर देते हैं, ठीक है, तो जो उसकी अगर मेन स्क्रीन है उस पर मान के चलिए कोई भी सिंबल विजिबल नहीं हो, तो उस सिंबल को हम कैसे लाएं, है ना, मेन स्क्रीन पर दिखने लगे, कि जिससे कि हमें जो भी काम करना है नेटवर्क के अंदर वो हम इजिली कर सके। हम इसके बारे में जानेंगे, इसके लिए हम चलते हैं सिस्टम की तरफ। हमारा पर्पस क्या था कि जो साइम सॉफ्टवेयर है अगर इसके मेन स्क्रीन पर ये सभी सिंबल विजिबल नहीं हो रहे हों तो हम कैसे इनको लेके आए। अभी क्या है, अभी ये पूरे सिंबल विजिबल हो रहे हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं कि आखिर हम कैसे ये सिंबल लेकर आएंगे, क्योंकि इन सिंबल का भी कहीं ना कहीं हर एक सिंबल का अपना एक यूज है, उसको हम बाद में देखेंगे कि किस सिंबल का क्या यूज है। देखिएगा अभी स्क्रीन पर क्या है, साइम जो सॉफ्टवेयर है इसके मेन स्क्रीन पर मैक्सिमम सिंबल क्या है, विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो अब हम उन सिंबल को कैसे लाएं ताकि हम इजिली किसी भी जो है क्या नेटवर्क में अगर कुछ ऐड करना चाहें, कुछ लेंथ मेजर करना चाहें, तो वो हम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा व्यू पे आपको जाना होगा। अगर आपको क्या चाहिए, स्क्रीन पर आपका जो साइमी सॉफ्टवेयर है उसके मेन स्क्रीन पर पूरे सिंबल अगर आपको दिखें, तो आप पहले जाइए व्यू पे, ठीक, फिर आइए आप टूल्स बार, इसके बाद आप करिए मेंस पे क्लिक। देखिए ये आपका इधर आ गया, इस पे जो सिलेक्ट नेटवर्क और बाकी का जो भी इससे रिलेटेड सिंबल है वो आ जाएगा। इसके बाद आप आइए टूल बार्स में, आप आइए सिमुलेशन, ये देखिए ये यहाँ से सिमुलेशन में मतलब लोड फ्लो और ये पूरा काम आप कर सकते हैं, अब नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद आप आइए टूल बार्स में, आप क्या करिए फाइंडिंग में क्लिक कर दीजिए, ठीक है, तो जो भी आपको फाइंड आउट करना हो। इसके बाद आप क्या करेंगे, व्यू पे आइए, टूल बार्स पे आइए, फिर आप यहाँ पर आने के बाद टूल बार्स में सिस्टम यूनिट पे भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप व्यू पे आइए, फिर आप क्या करेंगे, व्यू पे आने के बाद आप यहाँ पर पेज लेआउट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, पेज लेआउट पे क्लिक करिए, फिर इसके बाद आप व्यू पे आइए, व्यू पे आने के बाद आप एडिटर टूल्स पे आ जाइए, ठीक, एडिटर टूल्स में आने के बाद अब आप किसको क्लिक कर दीजिए, एडवांस एडिटर टूल बार्स पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब एडवांस एडिटर, इसके बाद ये एक लोड मॉडल रह गया था, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, एडवांस एडिटर टूल बार्स हो गए, ड्राइंग टूल्स भी आप क्लिक कर दीजिए, ड्राइंग टूल्स क्लिक करने के बाद आप क्या करिए, इस पे एनालिसिस पे क्लिक करिए। एनालिसिस से क्या होगा कि आप नेटवर्क को एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए, व्यू पे आइए, व्यू पे आइए, व्यू पे आने के बाद टूल बार्स पे, फिर डेटाबेस, तो ये देखिए आपका ये यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो डेटाबेस आप क्या करेंगे, अपलोड करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ से डेटाबेस आपने कर दिया, अगर आपको इनमें से और कुछ भी रिक्वायर्ड हो वो आप कर सकते हैं, डिस्प्ले का एक कर दीजिए, तो ये यहाँ से आपका डिस्प्ले का वर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले मतलब कि आपको जैसे नेटवर्क जो बना हुआ है उसमें ब्रांच दिखानी है तो उस पर आपको डिस्प्ले करना है कि आखिर क्या नाम है, कितना लेंथ है, डीटी है, तो वो सब चीज़ें डिस्प्ले में आ जाएगी। तो इस तरह से आपको मेनली क्या करना है, जब आपको स्क्रीन पर मैक्सिमम सिंबल के केसेस पे बात कर रहा हूँ, कुछ को छोड़ के, तो आप व्यू पे आएंगे, व्यू पे आने के बाद टूल बार्स पे आइए, और टूल बार्स पे आने के व्यू के बाद आप टूल बार्स, और टूल बार्स के बाद ये यहाँ पर हमको जो भी चाहिए हम उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम डिटेलिंग और भी देखेंगे कि आखिर सब चीज़ें कैसे होंगी। तो अगर आपको मेरा जो मेन मोटिव क्या था, इस वीडियो का जो मेन प्रोस्पेक्टिव क्या था, वो ये है कि अगर आपको मेन स्क्रीन पर ये सिंबल विजिबल नहीं हो रहे हों तो कैसे लाना है, व्यू पे जाना है, टूल बार्स, और इसके बाद आपको जो भी चाहिए आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों के प्यार और स्नेह के लिए तहे दिल से आपका आभारी हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद।